बस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हिंदी में पत्र लिखना सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो आप लोग मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता है कि वो किस तरह बधाई पत्र को लिखें, तो आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। आप याद रखेंगे अपना एड्रेस, जैसे यहाँ लिखा गया है 15 केसर बाग जम्मू, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग डेट डालेंगे। जैसे यहाँ डेट डाली हुई है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे रूल डेट डालने का, दिनांक का, हमेशा आज की डेट डलती है। जैसे आज 31 मई है, तो मैं 31 मई लिखूँगी। जो भी महीना चल रहा होगा स्टूडेंट्स, उसका नाम लिखा जाएगा। अगर जून चल रहा होता तो मैं जून लिखती, जुलाई होता तो मैं जुलाई लिखती, और जो भी उनकी डेट होती, क्योंकि आज मई की 31 तारीख है, इसलिए मैंने यहाँ 31 लिखा है। इसके बाद आप वर्ष लिखेंगे, वर्ष 2023 चल रहा है, इसलिए मैंने 2023 लिख के छोड़ दिया। आई होप आप लोग आज के बाद डेट डालने में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिसका क्वेश्चन में पत्र लिखने को बोला गया है। क्योंकि पत्र मित्र को लिखने के लिए ऊपर बोला गया है, इसलिए आप अपने प्यारे दोस्त का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है नवीन, आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद ठीक एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी की आप लोग पत्र को आगे लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि तुम्हारा पत्र को पढ़कर बहुत खुशी हुई, तुम्हारे पत्र को पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने स्कूल की क्रिकेट की टीम के कप्तान बनकर हमारे स्कूल में मैच खेलने के लिए आ रहे हो। तो आप बताएंगे कि आपको आपके दोस्त का पत्र मिला जिसमें आपको पता चला कि आपका दोस्त जो है वो क्रिकेट की टीम का कप्तान यानी कैप्टन बन गया है और वो आपके स्कूल आ रहा है मैच खेलने। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग लिखेंगे बिना लाइन छोड़े कि मेरी ओर से तुम्हें कप्तान बनने की बधाई, क्योंकि पत्र बधाई देने पर ही था, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं, हमारे स्कूल में भी मैच की ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। इसके बाद आप अपना बताएंगे कि आपके विद्यालय में भी क्रिकेट की काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मेरे पैर में चोट लग जाने के कारण मैं खेल तो नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, तो आप रीज़न बताएंगे कि आपके चोट लग गई है इसलिए आप नहीं खेल पाएंगी या खेल पाएंगे, पर मैच में तुम्हें खेलता देखकर मुझे खुशी होगी। तो आप अपने दोस्त से कहेंगे पर मैं तुम्हें देखूँगा या देखूँगी तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। इसके बाद आप लोग ठीक एक लाइन छोड़ते हुए स्टूडेंट्स लिखेंगे स्कूल में पूरी टीम के ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। तो आप बता रहे हैं कि स्कूल में टीम के ठहरने का यानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रबंध कहते हैं। इसके बाद 10 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आप कोई भी डेट डाल देंगे, कोई भी सूटेबल डेट जिस डेट पर आप ये पत्र लिख रहे हो। जैसे आज 31 मई है, तो आप 31 मई के कुछ डेज की आगे की डेट डाल सकते हैं, जैसे 5 जून, 10 जून, तो जो भी सूटेबल डेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग लिखेंगे एक लाइन छोड़ते हुए ठीक तुमसे बहुत दिनों बाद मिलना होगा। इसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग तुम्हारा प्रिय मित्र लिखेंगे, जो आप हर पत्र में कॉमन रखेंगे जब भी आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। इसके बाद आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ नाम लिखा गया है विपिन, आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे जो भी आपके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना नाम लिखा जाता है, तुम्हारा प्रिय मित्र यानी आप अपने आप को कह रहे हैं, जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है विपिन। आई होप आप लोगों को ये पत्र बहुत अच्छे से समझ में आए होगा स्टूडेंट्स, सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के पत्र समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।